वेलकम दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किस प्रकार बस 4 वीक में गूगल एडसेंस का अप्रूवल ले सके। इस पर हम पूरी लाइव सीरीज बनाने जा रहे हैं। इसमें हम मैं आपको अप्रूवल लेके दिखाऊंगा कि आप किस प्रकार क्या क्या करना होगा और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। मुझे पता है मैं पूरी डिटेल में आपको एक एक चीज़ कवर करके बताऊँगा। तो और इसी के आगे पार्ट आते रहेंगे सीरीज, और मैं आपको अपनी एक वेबसाइट पर अप्रूवल लेके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो सीरीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है लाइव गूगल एडसेंस अप्रूवल इन 4 वीक, यानी कि 1 मंथ के अंदर हम आपको अप्रूवल लेने की पूरी तरीका बताएंगे। तो इसमें हम चलते हैं पहले पॉइंट पर। वो आपको ब्लॉगर के साथ जाना है या वर्डप्रेस के साथ? तो मेरी जो पहली वेबसाइट है जिसमें गूगल का एडसेंस अप्रूवल है वो ब्लॉगर पे है, ठीक है। और अब जो जिस पे मैं लेके दिखाऊंगा आपको वो वर्डप्रेस पे। तो आप इन दोनों में से किसी पर भी जा सकते हैं, बस आप जो मैं आगे जो तरीका बताऊंगा उन्हें फॉलो करते हुए चलोगे तो विद इन ए मंथ आप एडसेंस का अप्रूवल पा जाओगे। उस पर जाइए। यदि आपके पास अच्छी होस्टिंग नहीं है तो आप ब्लॉगर के साथ जाइए, ब्लॉगर बहुत ही अच्छा है। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं थीम्स की। थीम्स कहाँ से मिलेगी हमें और हमें कौन सी थीम यूज़ करना चाहिए? तो थीम्स की प्रॉब्लम मैंने पहले ही सॉर्ट आउट कर दी है दोस्तों। ये प्रीमियम ब्लॉगर थीम बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की है, तो आप इन थीम्स को यूज़ कर सकते हैं। और ये $400 की थीम्स है दोस्तों, कुल मिला के इनका इतना बनता है। मैंने आपको फ्री में प्रोवाइड की है, और इसी तरह मैं अपनी एक वेबसाइट बनाऊंगी जिस पर मैं आपको फ्री में थीम प्रोवाइड करता रहूँगा। और अभी तो इस पर 3-4 थीम ही है, बट मैं एक दो दिन में इस पर 30-40 थीम अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। तो आपको थीम्स उन्हीं में से कुछ चुननी होगी, अपने हिसाब से कोई बकवास सी थीम मत चुन लेना। मैंने जो पीछे बताई है उनमें से आपको जो अच्छी लगे वो चुन लेना, या फिर जो मेरी वेबसाइट पर आप जाना विजिट करना और उसे अच्छे से देखना, जो आपको आप पे अच्छी लगे वो प्रीमियम थीम्स ही आप अपने ब्लॉगर टेम्पलेट पे यूज़ करना। वर्डप्रेस में आपको स्टार्ट करनी है तो वर्डप्रेस के लिए भी मैं आपको थीम उसी वेबसाइट में से चुन लेना कोई अच्छी सी। दूसरा आता है कस्टमाइज़ कैसे करें। उसे कस्टमाइज़ करना आपको नहीं आता है तो आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। कस्टमाइज़ करने में क्या आपको लोगो अच्छे से लगाना होगा, और मैं आपको दिखा देता हूँ मतलब आपको किस प्रकार कस्टमाइज़ करना है। तो अपना यहाँ पे लोगो या नाम अच्छे से होना चाहिए, और जो आप मेन्यू होता है ना उसमें आपके ये 4 या 5 जितने भी पेज आप बनाते हैं वो सभी पेज आने चाहिए, और जो आपकी कैटेगरी होती है वो आनी चाहिए। फिर नीचे चलना होता है आपको, और इस तरफ एक लेवल का इस आर्चिव को हटा सकते हैं, पॉपुलर पोस्ट इन्हें रख सकते हैं, और नीचे आप वो सभी कैटेगरी ये जितने भी पेज हैं ना वो नीचे फुटर में भी आने चाहिए, ठीक है दोस्तों। और आपको ये प्रीमियम वाला लिंक नहीं होना चाहिए, इससे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, पर नहीं होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारी कस्टमाइज़ का, मैं सोचता हूँ आप कर ही लेंगे। मेन बात है 5वां 6वां पॉइंट ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, ये तो आप सब कर ही लेंगे। जो पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है दोस्तों। चौथा में आता है पेजेस। आपको कौन कौन से पेजेस बनाने होंगे? तो इसमें मुझे एडसेंस का अप्रूवल मिला हुआ है, और मैंने ये बस 4 पेजेस बनाए हैं, वो भी मैंने ऑटो जनरेट किया है। तो आपको जनरेट करना नहीं आता तो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा, बट मुझे लगता है आप कर सकते हैं। आपको बस नॉर्मली गूगल पे आना है और टाइप करना है अबाउट अस पेज जनरेटर, या फिर प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर, ऐसी वेबसाइट ऐसे सर्च करना है। उसके बाद आपको फ्री में प्राइवेसी पॉलिसी जनरेट करने का पेज आ जाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से आप फ्री में जनरेट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और चलते हैं हम पेज, तो आप ये सभी कर सकते हैं। आपको कौन कौन सा पेज करना होगा? एक तो प्राइवेसी पॉलिसी, और दूसरा हो गया अबाउट अस, डिस्क्लेमर बहुत ही जरूरी है दोस्तों, और डिस्क्लेमर टर्म्स एंड कंडीशन, और DMCA का अप्रूवल पहले से ही ले लेना जिससे आपको आसानी होगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट कैसे लिखनी होगी, और एक तो कैसी लिखनी होगी, कितनी। आपको पोस्ट लिखने का सबसे अच्छा तरीका बताऊँ दोस्तों, आपको बहुत ही अच्छा तरीका बताने जा रहा हूँ मैं, जिसे मैं पर्सनली बहुत यूज़ करता हूँ। आपको गूगल डॉक्स का यूज़ करना है यदि आप कंप्यूटर में कर रहे हैं, अगर यदि आप मोबाइल में कर रहे हैं तो उसमें तो वैसे भी होता ही है वो वॉइस टाइपर, वॉइस की सहायता से टाइप करने वाला। यदि आप इसमें यूज़ कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो आपको यहाँ पे एक टूल मिल जाएगा, टूल में वॉइस टाइपिंग वाला, ये टूल, सॉरी मैंने दूसरे पे क्लिक कर दिया, ये वॉइस टाइपिंग का टूल है, ये मिल जाएगा। इसके माध्यम से आप बोल कर अच्छे से लिख सकते हैं। आपको बस यहाँ से अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। मैं हिंदी में अक्सर इसी से आर्टिकल लिखता हूँ, मैंने जितने भी आर्टिकल लिखे ना इसी के माध्यम से लिखा है, मैं कोई खुद टाइप करके नहीं लिखता हूँ दोस्तों, ठीक है। ऐसे पोस्ट लिखने की, और आपको इसमें बहुत ही कम टाइम लगेगा दोस्तों, आपको बहुत ज़्यादा कम टाइम में आप बहुत ज़्यादा पोस्ट लिख सकते हैं। एक पोस्ट लिखने में आपको कम से कम 30 मिनट लगेगा दोस्तों। अगर दोस्तों तो आपको करना क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। हमने बताया है कि आपको 4 वीक में अप्रूवल दिखवाएंगे इस सीरीज में, तो आपको
पहले 1-2 दिन में तो आपको अपने वेबसाइट को अच्छे से कस्टमाइज़ करना होगा, ठीक है। मेन्यू मेन्यू सब कुछ पेज वेज सब रेडी होना चाहिए, वो 1 दिन में हो जाता है। और दूसरे दिन से आपको पोस्ट डालना शुरू करना है। तो आपको हर दिन 1 से 2 पोस्ट डालनी है, ठीक है दोस्तों, 1 से 2 पोस्ट। और जो उनकी टाइमिंग होनी चाहिए ना पोस्ट डालने की, वो सेम होनी चाहिए, सेम टाइम पर आपको पोस्ट डालनी है और ख़ुद से लिख के डालनी है, ठीक है। जैसे कि आप 8 बजे डाल रहे हो या फिर 10 बजे डाल रहे हो या रात को 7 बजे डाल रहे हो, तो वो एक ही टाइम पर आपको एक एक पोस्ट रोज की डालते हुए जाना है। घंटे डालोगे तो आपको वो 14 दिन तक, मतलब 2 वीक तक डालते रहना है। उसके बीच आपको एडसेंस के लिए अप्लाई भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस आपको पोस्ट डालते रहना है, ठीक है दोस्तों। पोस्ट डालते रहना है 14 दिन तक एक ही टाइम पर। ये हो गई बात, अब दूसरी बात करते हैं हम। दूसरी बात क्या करते हैं कि हमें कब अप्रूवल के लिए डालना होगा, 14 दिन होते ही। 14 दिन के बाद एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डालना होगा, तो आपको टाइम पर पोस्ट डालते रहना चाहिए दोस्तों। आपको उसी टाइम पर पोस्ट कैसे डालनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। आप पोस्ट को कभी भी लिखते हो तो लिख लो उस समय, बट आपको पोस्ट उसी वक्त पब्लिश करनी है। देखो मैं आपको इसमें जाके दिखा देता हूँ, जैसे कि बोल के लिए डाल दिया, उसी के बाद भी आप जो भी टाइम आपने सेलेक्ट किया है उसी टाइम के अकॉर्डिंग आप पोस्ट करते रहो, ठीक है दोस्तों। और आपको एडसेंस का मेल कितने दिनों में आएगा, वो मिनिमम आजकल मिनिमम वो टाइम ले रहा है 7 दिन से लेकर 12 दिन के बीच में वो आपको मेल कर देता है कि आपकी गुड न्यूज़ भी दे देता है और कभी कभी बैड न्यूज़ भी दे देता है, ठीक है दोस्तों। तो इस बार आपको बिल्कुल भी बैड न्यूज़ नहीं मिलने वाली, यदि आप रेगुलर एक ही टाइम पर डालते रहेंगे और कंटेंट कॉपी पेस्ट नहीं करोगे तो। बस इतना सा काम करना है, ठीक है दोस्तों। फिर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट टिप्स, इन टिप्स के बारे में बात करते हैं। इंपॉर्टेंट टिप्स में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देना चाहता हूँ, जैसे कि आपको कभी भी किसी के कॉपी कंटेंट नहीं डालना है, आपको खुद से लिखना है, बोल के लिखना है, या फिर आप जिस भी तरीके से खुद का कंटेंट लिख सकते हैं उससे आपको कंटेंट लिखना होगा। आप ना तो जो लोग बता रहे हैं कि यूट्यूब का सबटाइटल एक्सपायर डोमेन, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है दोस्तों। और दूसरी टिप की बात करें तो आपको अपनी वेबसाइट को अच्छे से कस्टमाइज़ करना होगा, ठीक है दोस्तों। वो रेगुलर एक ही टाइम पर डालते रहो, शेड्यूल करते रहो पोस्ट को, ठीक है। आप बोल के 1 दिन में 2 आर्टिकल लिखो, एक को आज पब्लिश कर दो, दूसरे को कल के लिए शेड्यूल कर दो, उसी प्रकार रोज एक लिख के अगले दिन के लिए शेड्यूल करते जाओ, ठीक है दोस्तों। और आपको बस 14 दिन इसी प्रकार करते रहना, फिर एडसेंस के लिए डाल देना है। और आपको जो टर्म्स एंड कंडीशन के ये पेजेस हैं, इनमें जो आप जनरेट करेंगे तो आपको लिंक मिलेंगे, यहाँ पे कुछ लिंक मिलेंगे जिन्हें आपको हटा देना होगा। जैसे मैंने तो हटा दिया है ऑलरेडी, पर यदि आप जनरेट करते हैं तो आपको लिंक मिलता है, उन्हें आपको हटाना होगा। जैसे यहाँ पे कोई भी लिंक लगा हुआ कुछ भी, तो उसे यहाँ से जाके आपको हटाना होगा, ठीक है दोस्तों। और इम्पोर्टेंट टिप्स में बात करते हैं, और भी मुझे याद आती रहेगी तो मैं वीडियो बना के डालता रहूँगा। वैसे भी ये सीरीज में 2-3 वीडियो में ख़त्म करने वाला हूँ, क्योंकि एक तो मैं जब मेरी वेबसाइट, ये वाली वेबसाइट जो मैंने बनाई है, इस पर मैं अभी एडसेंस का अप्रूवल नहीं है, और ये मैंने वर्डप्रेस पे बनाई है, क्योंकि जो ऑफ़र चल रहा था वर्डप्रेस का, तो मैंने वहाँ से होस्टिंग ली। ये जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ऑफ़र के बारे में, यहाँ से मैंने होस्टिंग ली और फिर इस वेबसाइट को बनाया है, ठीक है। न्यूज़ वेबसाइट बनाई है, अभी मैं इस पर काम नहीं कर रहा था थोड़े दिनों से, अब वापस काम करूँगा और अच्छे से काम करूँगा इस पर, और रोज़ का 1-2 आर्टिकल डालता हूँ। और मैं अगला पार्ट लाने वाला हूँ 7 दिन के बाद, आज से 7 दिन के बाद मैं इसे एडसेंस के लिए अप्रूवल के लिए डालूंगा, जरूरी न्यूज़ डॉट इन को। और उसके बाद मैं आपको उसी तरह काम करता रहूँगा, और जब भी अप्रूवल मिलेगा जो भी रिप्लाई आएगा मैं आपके सामने रखूँगा, ठीक है दोस्तों। और जो ये हमारी सीरीज है, इसे सक्सेसफुल बनाना है दोस्तों, ठीक है। ऐसी सीरीज बहुत ही कम है दोस्तों यूट्यूब पर, तो मैं आपको लाइव लेके दिखाऊंगा, ओके। और ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, यहाँ तक बने रहे हैं आप तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, नहीं लगी हो तो डिसलाइक ज़रूर करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या कमी लगी इस वीडियो में मेरी, तो मैं उसे इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करूँगा। और चैनल इसी सीरीज को लेकर आऊँगा 7 दिन बाद, पर वीडियो तो उससे पहले आ जाएगी, दूसरी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो दूसरी आ जाएगी। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट टिप्स सब मिल गए आपको, आज ही से काम स्टार्ट कर देना दोस्तों। ब्लॉगिंग में बहुत ही अच्छा फ्यूचर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। आप इसमें बहुत ही अच्छे से पैसे छाप सकते हो। और यदि आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स अब देना चाहूँ मैं, तो आप एक माइक्रोनिच पर काम करो दोस्तों। ये हुई, ये इस वीडियो की सबसे इंपॉर्टेंट टिप है दोस्तों, माइक्रोनिच पर जितना आप काम करोगे उतना ही अच्छा लगेगा। मैंने तो इस लेंच को पकड़ लिया है, यानी कि न्यूज़ पे बना रहा हूँ, बट मैं इस पर थोड़े दिन काम करूँगा, उसके बाद मैं कंटेंट राइटर हायर करके
इस कंटेंट राइटिंग के द्वारा इस पर काम चलवाने वाला हूँ। मैं खुद इस पर काम नहीं करने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है दोस्तों। मेरी खुद की पर्सनल दूसरी वेबसाइट है, मैं उस पर काम करूँगा, और माइक्रोनिच पर भी बनाई हुई है, उस पर काम करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको माइक्रोनिच चुनना है और उस पर ही पोस्ट डालते रहो, रेगुलर बने रहना दोस्तों। ओके, आज की वीडियो इतनी ही बड़ी हो गई है, सॉरी उसके लिए, और अभी मैं वीडियो बनाता हूँ। बाय बाय, अपना ध्यान रखना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए मजा मचाते हैं।